मैं हूँ टांडे सर, टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा आईटीआई माजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज का जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, और हम प्रैक्टिकल में वायरिंग करना सीखेंगे। तो वायरिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे एक लैंप को तीन जगह से कंट्रोल करना, एक लैंप को चार जगह से कंट्रोल करना, एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना, हाउस वायरिंग हो गई, गोडाउन वायरिंग है, ठीक है, होस्टल वायरिंग है, बहुत सारी प्रकार की वायरिंग होती है। उनमें से अभी हम सिंपल जो हाउस वायरिंग की जाती है, अर्थात जो हाउस वायरिंग करते हैं, उस वायरिंग के बारे में हम जानेंगे। तो सिंपल जो घरेलू वायरिंग में किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे स्टूडेंट। दोस्तों, आज के वायरिंग में जिन सामानों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनमें से ये है, ये पीवीसी कंड्यूट पाइप। तो हमें पीवीसी कंड्यूट पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम पीवीसी कंड्यूट पाइप का यूज़ करते हैं तो पीवीसी कंड्यूट का यूज़ करेंगे, या तो फिर केसिंग केपिंग पाइप का यूज़ करना है तो केसिंग केपिंग का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें केसिंग केपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और पीवीसी कंड्यूट पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। हमें लगेगा हैमर, ये हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, हेक्सा ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट। उसके साथ कुछ जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट टूल्स में कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगा, कटिंग प्लायर लगेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, पोकर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये देख सकते हैं पोकर होल करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग एमएम के स्क्रू ड्राइवर हमें यूज़ करेंगे, जिसमें से 150 mm, 200 mm, ये जो आपको कटिंग प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर दिख रहा है 150 mm का है, ये 200 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से करेंगे। ये है स्टूडेंट शेडल, और शेडल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पाइप को फिट करेंगे तो शेडल का यूज़ करेंगे, या तो फिर आप केसिंग केपिंग पाइप को यूज़ करेंगे तो उसमें भी शेडल का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो उसका जो शेडल है या उसका कनेक्शन जो करेंगे आप, उसके लिए आपको स्क्रू कसना होगा। तो वहाँ पर यदि केसिंग केपिंग पाइप का यूज़ करते हैं तो ये इस सेडल का यूज़ नहीं करेंगे, उसे अंदर से ही स्क्रू से कसना होगा। इसके बाद देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक बेल है, यदि आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको जंक्शन बॉक्स, तो ये जो जंक्शन बॉक्स दिख रहा है आपको, ये फोर वे जंक्शन बॉक्स है, इसमें थ्री वे जंक्शन बॉक्स भी आता है, फोर वे को काट के थ्री वे बनाया जा सकता है। स्क्रू, इस स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और ये एम्पायर टेप या इसे इंसुलेशन टेप कहा जाता है स्टूडेंट। ये जो देख रहे हैं ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के माध्यम से जब भी वायरिंग करेंगे तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज़ करना होगा हमें। इसके साथ जो स्विच यूज़ करेंगे, स्विच में ये वन वे स्विच है जिसमें दो पॉइंट है, उसके बाद ये है वन वे स्विच, इसमें टू वे स्विच होता है जिसमें तीन पॉइंट होता है, उसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली हाउस वायरिंग जब भी करेंगे आप, या डोमेस्टिक वायरिंग करेंगे, तो आप सिंगल वन वे स्विच का ही यूज़ करेंगे। स्विच भी आपका ISI मार्क वाला होना चाहिए, अर्थात कि सिंबल ISI मार्क वाला होना चाहिए इसमें। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे और सामान हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे इसका लेआउट डोमेस्टिक वायरिंग का, और इसमें डोमेस्टिक वायरिंग में हम देखेंगे कि इसका वायरिंग कनेक्शन, अर्थात कि जो लेआउट बनाते हैं कनेक्शन डायग्राम, ये किस टाइप से होगा। तो इसके लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फेस न्यूट्रल, मतलब कि इनकमिंग जो लाइन है यहाँ से आएगी, तो ये जो है सर्विस वायर, मेन सर्विस वायर यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद ये दिख रहा आपको मेन स्विच, उसके बाद मेन स्विच से आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, तो ये रूम फर्स्ट है और ये रूम सेकेंड है स्टूडेंट। तो रूम फर्स्ट में हमें लैंप की ज़रूरत पड़ेगी और सेकेंड में भी लैंप की ज़रूरत होगी, तो ये लैंप का सिंबल है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा होगा ये 5-pin सॉकेट है। उसके बाद इसका जब कनेक्शन किया जाएगा तो ये एक प्रकार का पूरा एक मेन स्विच बोर्ड है। इस मेन स्विच बोर्ड में यहाँ पर स्विच भी लगे हुए हैं और सॉकेट भी लगे हुए हैं। तो जो मेन स्विच से सप्लाई आएगा, तो मेन स्विच से सप्लाई दो जगह जाएगा, एक तो रूम टू में जाएगा और पहला रूम वन में जाएगा। तो रूम टू और रूम वन में कनेक्शन जब भी करेंगे हम, तो मेन स्विच जो मेन बोर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहीं से सप्लाई जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब ये 5-pin सॉकेट है, 5-pin सॉकेट का कनेक्शन जब भी करेंगे हम, तो 5-pin सॉकेट में एक साइड न्यूट्रल का हो जाएगा और दूसरे साइड फेस का हो जाएगा स्टूडेंट। तो जब भी इसका जो कनेक्शन किया जाएगा, तो कनेक्शन के लिए इसका जब कनेक्शन होगा तो एक स्विच, और इस स्विच से कनेक्शन को इसको ऑपरेट करेंगे, अर्थात कि ये हो जाएगा आपका सॉकेट, जिसे कहेंगे 5-pin सॉकेट। क्लियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 5-pin सॉकेट। सेकेंड हो जाएगा ये स्विच हो जाएगा, ये 2-pin सॉकेट है स्टूडेंट, इसे 2-pin सॉकेट बोल सकते हैं। उसके बाद ये स्विच दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर
इसमें यदि कनेक्शन देखेंगे तो कनेक्शन इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ये 5 इंच सॉकेट है, इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस 5 इंच सॉकेट को इस स्विच से कनेक्ट हम करेंगे, मतलब कि ऑपरेट करेंगे। सेकेंड है 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट को ऑपरेट करेंगे दूसरे स्विच से, तो ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा। तीसरा होगा ये जो लैंप दिख रहा है स्टूडेंट, तो ये जो लैंप है सीलिंग रोज, ये जो लैंप लगा हुआ है अर्थात ये जो लैंप होगा ये एंगल होल्डर होगा, यहाँ पर यूज़ करेंगे तो एंगल होल्डर यूज़ करेंगे। तो ये जो लैंप है स्टूडेंट, इसका कनेक्शन जब भी करेंगे तो लैंप यहाँ पर जो लगाया जाएगा वो एंगल होल्डर लगाया जाएगा, ताकि आपका लैंप मुड़ा हुआ हो। तो इसको ऑपरेट करने के लिए फिर एक स्विच की ज़रूरत होगी, तो इस स्विच से इसको, इस लैंप को कनेक्शन देंगे हम। उसके बाद ये दिख रहा है आपका ट्यूबलाइट, तो इसे कहेंगे ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट का जब कनेक्शन करेंगे तो इसको भी ऑपरेट करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ऊपर में ये जो पॉइंट दिख रहा है स्टूडेंट, ये फेस का कॉमन पॉइंट है, अर्थात कि फेस तार चलाया गया है, और नीचे वाला जो पॉइंट है ये न्यूट्रल का है, तो ये न्यूट्रल की लाइन है, ये फेस की लाइन है स्टूडेंट। न्यूट्रल की लाइन कॉमन चलाई जाती है, जहाँ जहाँ न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत होगी तो न्यूट्रल को कॉमन चलाएंगे। रूम 1 में भी चलेगा न्यूट्रल, और रूम 2 में भी न्यूट्रल कॉमन चलेगा, तो न्यूट्रल को कॉमन चलाया जाता है, कभी भी याद रखेंगे। एक ही वायर से कनेक्शन होगा रूम 1 में भी और रूम 2 में भी स्टूडेंट। तो डोमेस्टिक वायरिंग करने के फायदे ये हैं कि हमारे पास इस तरीके से घर का जो कनेक्शन होता है, मतलब कि जो हाउस वायरिंग है या घरों की जो वायरिंग की जाती है, घरों की वायरिंग, इसमें स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, इसमें पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो इसमें यह हो जाएगा कि हमारे पास कोई भी हाउस वायरिंग की जाए, कहीं पर भी हाउस वायरिंग करेंगे तो पैरेलल कनेक्शन ही किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि घरों की जो वायरिंग है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है, समांतर में की जाती है घरों की वायरिंग। रूम 2 में भी देखेंगे तो वही सिचुएशन मिलेगा आपको, ये एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को आपको ऑपरेट करना है, तो ट्यूबलाइट को ऑपरेट करने के लिए भी एक स्विच लगेगा, और इस लैंप को भी ऑपरेट करने के लिए स्विच की ज़रूरत होगी। तो इसका जो कनेक्शन है, लेआउट डायग्राम इस टाइप से आपको बनाना है। फेस का तार कॉमन चला दी हमने यहाँ पर, ये फेस का तार यहाँ पहुँच गया स्टूडेंट, और न्यूट्रल जो है, जब क्योंकि ये स्विच है, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा रूम 2 के लिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये भी S1, ये S2, S3 और S4, मतलब 4 पॉइंट है, तो 4 स्विच लग जाएंगे। 4 पॉइंट कैसे हुए स्टूडेंट? 5 पिन सॉकेट एक पॉइंट हो गया, 2 पिन सॉकेट दूसरा पॉइंट हो गया, लैंप तीसरा पॉइंट हो गया, और ट्यूबलाइट चौथा पॉइंट हो गया। तो चौथे पॉइंट मतलब कि 4 स्विच की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक लैंप फर्स्ट पॉइंट हो गया और ट्यूबलाइट सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर 2 स्विच की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से ये पूरे घर की यदि वायरिंग करें तो रूम 1 और रूम 2, इन दोनों में कुल मिला के 4 और 2 6 स्विच की ज़रूरत हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल पॉइंट कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए स्टूडेंट। तो जितने पॉइंट होंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर लेआउट डायग्राम बनाएंगे। अब चलिए स्टूडेंट, इसको हम मेरे साथ है स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और इन्होंने ही हाउस वायरिंग किया हुआ है। तो ये जो डोमेस्टिक वायरिंग किया हुआ है, आइए इसका हम लेआउट देखते हैं प्रैक्टिकल रूप से। ये है स्टूडेंट लेआउट, और लेआउट के हिसाब से यहाँ पर वायरिंग हमने किया है। सबसे पहले हमने यूज़ किया है एनर्जी मीटर का, और एनर्जी मीटर का जो कनेक्शन है, ये मानकर चलिए कि ये सर्विस वायर है, और सर्विस वायर सीधे एनर्जी मीटर में आया हुआ है। अब एनर्जी मीटर के बाद कनेक्शन हमने किया है, ये दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं ICDP, इसे कहते हैं ICDP स्टूडेंट। तो ये इसके अंदर आपको मिलेगा फ्यूज़ बंधा हुआ, अर्थात कि ये जो दिख रहा है आपको, इसमें 2 फ्यूज़ मिलेंगे, अर्थात इसे कहते हैं रीवायरेबल फ्यूज़। तो रीवायरेबल फ्यूज़ का यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसे जब ऊपर चढ़ाया जाए या नीचे किया जाए तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन और ऑफ की पोजीशन। तो ऊपर करेंगे तो ऑन की पोजीशन हो जाएगी, और नीचे करेंगे तो ऑफ की पोजीशन हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर है? अब ये जो वायरिंग की हुई है, इस वायरिंग को कहते हैं केसिंग केपिंग वायरिंग, इसे कहते हैं केसिंग केपिंग वायरिंग। क्लियर स्टूडेंट? तो इस वायरिंग का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमने इसके पहले PVC कंड्यूट पाइप वायरिंग के द्वारा हाउस वायरिंग किए थे, परंतु PVC केसिंग केपिंग वायरिंग पाइप के द्वारा हमने वायरिंग नहीं किया था। तो इसका जो बेसिक जो कनेक्शन होता है, ये करने का तरीका इस टाइप से होता है स्टूडेंट। यदि इसको हम देखें तो इस टाइप से निकाल के दिखा सकते हैं हम आपको। कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वायर इसके अंदर इसके गाले से जाएगा, इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रू कसेंगे, और ये स्क्रू के द्वारा इसको कसा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको PVC केसिंग केपिंग वायरिंग करना है। तो इसको फिट करने के लिए इसे कहेंगे केस, अर्थात कि ये कहलाएगा केसिंग,
और ये कहलाएगा केपिंग। तो केपिंग के लिए इसको कैप ऐसा लगाया जाता है स्टूडेंट। अब यदि ये गाले में यदि नहीं बैठा तो इसको इस तरीके से बैठा लगा जाता है। रूम वन की वायरिंग किए हुए हैं और ये रूम वन की ये दिख रहा है आपको, ये स्विच बोर्ड है। तो रूम वन में आपको दिख रहा होगा एक हमने 5-पिन सॉकेट लगाया है और 2-पिन सॉकेट लगाया हुआ है। तो 5-पिन सॉकेट और 2-पिन सॉकेट इसका कनेक्शन हम चेक कर सकते हैं। टेस्टर यदि किसी के पास हो तो इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये देखो सप्लाई यहाँ पर आ रहा होगा, ये लाइट जल रही है, लाइट जल रही है यहाँ पर, अर्थात कि सप्लाई आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद ये जो है ये 2-पिन सॉकेट है। आगे बढ़ेंगे तो ये दिख रहा है आपको लैंप, लैंप को यहाँ से इसको इसका कनेक्शन इस टाइप से किया गया कि यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। उसके बाद है ये ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहीं पर बोर्ड दिया हुआ है, तो ये ट्यूबलाइट आपकी ऑन हो गई स्टूडेंट। यहाँ पर जो चोक यूज़ किया गया है वो इलेक्ट्रिकल चोक यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक चोक यूज़ नहीं किया गया स्टूडेंट। तो इसका जो कनेक्शन करेंगे आप इस टाइप से कर सकते हैं। अब जैसे रूम टू में हम पहुँचे तो ये रूम टू का कनेक्शन है। यहाँ पर 4 पॉइंट थे और यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे। तो 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 पॉइंट होंगे स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक लैंप का और एक ट्यूबलाइट का। तो लैंप का और ट्यूबलाइट का इसमें 2 पॉइंट दिख रहा है आपको। लैंप ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ करेंगे तो रूम नंबर 2 है, सेकेंड है, यहाँ से ये ट्यूबलाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों 2 रूम की वायरिंग। तो ये बोल सकते हैं किसी घर में 2 रूम हैं और दोनों रूम की हमें वायरिंग करना है, तो ये रूम फर्स्ट हो जाएगा और वो रूम सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेआउट बनाकर घर की वायरिंग करना है। मेरे साथ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और ये जो वायरिंग है इन्हीं के द्वारा की हुई है और बहुत अच्छी सुगमता से इन्होंने वायरिंग की है। दोस्तों हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।